तहसीलदार मंडी की अध्यक्षता में पंचायत सैकुलू तहसील मंडी डिस्ट्रिक्ट पूंछ में एक कैंप लगाया। इस कैंप में लोगों में डेमोसिल सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर तहसीलदार मंडी ने कहा, लोगों को डेमोसिल सर्टिफिकेट लेने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसी हवाले से हमने अलग अलग पंचायतों में जाकर कैंप लगाकर लोगों को डेमोसिल सर्टिफिकेट दिए। ये प्रक्रिया थी आज पंचायत सैकुलू में। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं तहसीलदार जनाब शहजाद लतीफ़ ख़ान साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने सैकुलू पंचायत में आकर गरीब लोगों को ये सफ्टेक आके इशू किए हैं और कैंप लगवाया है और पूरे अमले को साथ में लाए और हर एक चीज़ काट और हर एक चीज़ यहीं पूरा ग्रुप उनके साथ में है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने यहां मेरी पंचायत में आकर कैंप लगवाया और गरीब लोगों को सफ़र होने से वो लोग बचे। डायरेक्शंस थी कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं या कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं या अदर रेवेन्यू रिलेटेड सर्विसेज हैं वो जितना भी हो सके लोगों के डोर स्टेप पर प्रोवाइड की जाए। तो हमने ये इनिशिएटिव तकरीबन 2 महीने पहले शुरू किया था। फर्स्ट फेज़ में हमने लोरन नियाबत को कवर किया था, फिर उसके बाद हम गागड़िया चले गए थे, वहाँ हमने 2 कैंप लगाए। फिर हमने थर्ड फेज़ में 9 कैंप लगाए थे, वो नियाबत लोरन में थे। फोर्थ फेज़ में हमारे 17 कैंप थे, 17 कैंप थे। उस शेड्यूल के मुताबिक आज हमारा सैकुलू का लास्ट कैंप है, जो इसके बाद हम 5th फेज में जाएंगे। जिला पूंछ के पंचायत बैच में लोगों को रोड पर बजरी और ब्लैक टॉपिक ना पाने से परेशानी आ रही है। लोगों का ये कहना है कि इस रोड को बने कम से कम 15 साल हो गए, लेकिन यहाँ आज तक ना ही रोड़ी पड़ी है और ना ही इसमें लुक डाली गई है। ये रोड पूंछ सिटी से 8 किलोमीटर दूर है। लोगों ने लेफ्टिनेंट कर्नल से गुहार लगाई, इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए सरजीत सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, वार्ड नंबर 4 का पंच हूँ। सर, हमारा ये 15 साल से ये रोड निकला हुआ है, इसकी याद में कई मकान भी आए हुए हैं, रास्ता बिल्कुल आदमी का चलने का रास्ता नहीं है और 15 साल से ये नहीं बना रहे। एक ठेकेदार आता है 2 साल तक वो लारा देता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। इसी से 15 साल हो चुके हैं और हमारा रास्ता चलने में भी बहुत परेशानी है, बच्चों को स्कूल आने में, पानी ले जाने में बहुत परेशानी हो रही है। आप क्या चाहते हैं, यहाँ लुक पड़नी चाहिए? लुक पड़नी चाहिए और रोड पड़नी चाहिए, इसको साफ़ करना चाहिए रोड को, और कोई ठेकेदार आता नहीं। गाँव की ये मेन रोड है, जो रोड साइड में जा चुकी हैं वो बन रही हैं, मगर इस रोड पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट भेजते हैं गवर्नर साहब को भी, हमारे इसकी इंक्वायरी की जाए कि 15 साल से ये क्यों नहीं बना रहे, क्या वजह है इसमें। कम से कम हमारे 500 से ज़्यादा बॉर्डर हैं जो ये रोड ऐसी पड़ी हुई है। देशभर की तरह आज पूंछ में भी नेशनल पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पूंछ में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर SSP पूंछ रमेश अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पूंछ राहुल यादव और भारी तादाद में पूंछ के लोग मौजूद रहे। मैं भी अपने जितने भी हमारे पुलिस के जवान, हमारे CRPF के, CAPF के जो भी जवान हमारे शहीद हुए देश की रक्षा करते हुए, उन सबको श्रद्धांजलि अपने देता हूँ यहाँ पर, और अपने उन वीर शहीदों को याद करते हुए, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए, ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारे जो जिस तरह से हमारे सेना के जवान तैनात हैं, उस तरीके से हमारे पुलिस के और जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनके जवान भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए इसी तरीके से लगे रहें। डे है पुलिस कॉमेडेशन डे जिसको कहते हैं, वो यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ मार्टर्स डे पे काफ़ी तादाद में यहाँ लोगों ने शिरकत की, जिसमें आर्मी ऑफिसर थे, पैरामिलिट्री फोर्सेज के ऑफिसर थे, जितने भी यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं वो यहाँ पे आए। मार्टर्स की फैमिली जो है वो यहाँ पे हमारे सामने बैठी हुई हैं, तो ये हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्होंने देश की कुर्बानी के लिए अपनी जानों जान के लिए कुर्बानी दी, अपनी जानें जो है निशान।